हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैसे तो ये टॉपिक आपने क्लास 9-10 में पढ़ रखा होगा, फिर भी ये लेक्चर हम यहाँ पे इसलिए ले रहे ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद आपको पढ़ना है मिरर फॉर्मूला, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है, आपको मैग्निफिकेशन के बढ़िया बढ़िया सवाल लगाने हैं और वहां पे आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर रहेगा जब आपको ये सारी पिक्चर पता हो, जब आपको टॉपिक का फील पता हो कि कहां ऑब्जेक्ट रखने पे कहां इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, कब बनती है ये इमेजेस, मैग्निफाइड क्या होती है, डिमिनिश्ड क्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रे डायग्राम बनाना आता हो स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है? तो शुरू करें आज का लेक्चर। अच्छा, आज के लेक्चर में बहुत ही सारे डायग्राम होने वाले हैं, तो बेटर होगा कि आप पेंसिल, रबर और स्केल लेके बैठ जाओ। सर ये तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है? पेन और स्केल, स्केल भी नहीं है। अरे जिस चीज से भी लाइन खींचते हो, इधर उधर जो भी चीज उठा दो, ठीक है, हो जाएगा काम। शुरू करें। यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल चैनल फिजिक्स वाला। अब जिन बच्चों का ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, जल्दी जल्दी बढ़ा के वीडियो को देख लेना या इसके नोट्स एक बार पढ़ लेना वेबसाइट से डाउनलोड करके, वेबसाइट www.physicswallahalakhpandey.com। शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से, है ना। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें बनाना होगा रे डायग्राम, और रे डायग्राम के लिए आपको कुछ रूल समझने होंगे। तो लिखें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर के लिए हम आपको 2-3 रूल बताएंगे, ठीक है, उनको देख लीजिए। बेसिकली 3 रूल है, एक चौथा रूल हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे जो हेल्प करेगा। पहला नियम क्या है, मान लो यहां एक कॉनकेव मिरर है गुफा जैसा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और हम मानेंगे कि ये मिरर छोटा सा है, ठीक है, हम मानेंगे ये जो रे है पैरा एक्सियल है, यानी सारे अजम्पशन सही हैं। अगर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से पास करेगी। पहला नियम, अगर पैरेलल आई तो लड़ने के बाद फोकस से पास की। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम इसी का कॉपी है, कॉपी क्या कॉपी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करके मिरर से टकराई तो वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल आई तो फोकस से पास की, और फोकस से पास करके टकराई तो पैरेलल हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट अपने ही रास्ते को फॉलो करती है, अगर उसको वापस घुमा दे, ऐसे आई घुमा दे तो ऐसे जाएगी, है ना। पैरेलल आई तो फोकस से पास की, और फोकस से पास की तो पैरेलल। तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम ये कहता है कि मान लो यहां सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो आज जब आगे हमें इमेज फॉर्मेशन सीखनी है तो ऐसे बनाना कि जितनी दूर फोकस, इसको बोलते हैं क्या पोल, है ना, पोल बोलते हैं ना, तो पोल से जितनी दूर फोकस, फोकस से उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे स्केल वगैरह यूज कर रहे हो तो 2 सेंटीमीटर पे ये बनाओ, फिर यहां से 2 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। तीसरा नियम ये बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, फोकस से नहीं, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो जैसे रे ऑफ लाइट गई है वैसे ही वापस आ जाएगी, अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, जैसे गई वैसे ही वापस। अरे भाई रे ऑफ लाइट गई, यहां पे आप नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। नॉर्मल इंसिडेंस जो सिखाया था प्लेन मिरर में भी आपने ये केस देखा था कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी, है ना, क्योंकि जब ऐसे आई और आपने यहां पे नॉर्मल बनाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। देखो ये रे ऑफ लाइट आई, यहां टकराई, यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब तो पता है ना कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो इंसिडेंट रे भी यही, नॉर्मल भी यही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0,
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो जैसे आई वैसे ही लौट गई। तो बेसिकली तो यही तीन फंडामेंटल नियम है कि पैरेलल रे आएगी तो किससे पास करेगी, फोकस से, फोकस से पास की तो क्या हो जाएगी पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो जो जो आई है वो लौट जाएगी। ठीक है, चौथा नियम हम आपको बता दे रहे हैं, बड़ा यूजफुल है ना, रे डायग्राम में बड़ा काम आता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे चौथे नियम में। यहां पर मान लो पोल है, ठीक है, पोल है ना बीच में, एकदम मिरर के एकदम बीच में होता है पोल। अगर रे ऑफ लाइट को आप यहीं पे इंसिडेंट करो पोल, तो भाई नॉर्मल बनाना पड़ेगा पहले तो। यहां यहां मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इंसिडेंट रे आई यहां पे लड़ी, क्या बनाओगे नॉर्मल? तो बच्चों नॉर्मल इसी लाइन पे तो बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, अब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बोलो समझे, इंसिडेंट रे लाया यहां पे क्या बनाया, खच 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 खच, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पास करता है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोला थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा ऐसे, तो जिस एंगल पे लाओ उसी एंगल पे लौटा दो। ठीक है, ओब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ओब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, वैसे तो कहीं कोई लिखा पढ़ा रूल नहीं है, पर बड़ा फायदा होता है इसका रे डायग्राम में। तो ये चार नियम है, जरा नोट करें, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, छापो इसको जल्दी से, टीपो, कुछ 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 कुछ। तैयार है? कई लोग अब गए स्केल ढूंढने, छोटे भाई से मांग रहे, ए स्केल दे दे भाई, भैया मैं अपनी स्केल नहीं दूंगा। जो दिन भर तुम अपने छोटे भाई को मारते पीटते हो, आज गड़ाओ उससे स्केल के लिए, बेटा पैरेलल आई फोकस से पास की, फोकस से पास की पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो जैसी आई वैसी गई, ऑब्लिक इंसिडेंस में अगर थीटा पे इंसिडेंट करोगे तो थीटा पे चली आएगी। आओ अब हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और इमेज बनाएंगे रे डायग्राम की हेल्प से, और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कैसी इमेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस वन लेते हैं, केस वन नहीं केस टू से शुरू करेंगे। हैं ये क्या, देखो केस वन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, क्यों बाद में पढ़ाएंगे, अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, फील तभी आएगा जब बाद में। केस टू से स्टार्ट करते हैं, अरे सही पढ़ा रहे, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, किताबों में ऐसे भी मिल जाता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो सी के भी पीछे ऑब्जेक्ट बट इंफिनिटी से पहले है, इंफिनिटी और सी के बीच में। केस वन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो बाद में तभी फील आएगा उसका। चलो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कंकेव मिरर बनाते हैं, ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर, सुंदर सा प्यारा सा, एक खींच लो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। आप जब इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ढंग से बना रहे हो, तो मिरर छोटा बनाना और जितना हो सके उतना स्ट्रेट बनाना। अरे यार हमारे सिलेबस में ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, मान लो यही तो कॉनकेव मिरर है, स्फीयर से काटा है, तो बहुत छोटे मिरर काटे जाते हैं ऐसे, तो जब छोटा सा हिस्सा काटोगे तो सीधा सीधा नहीं होगा, ज्यादा कर्वेचर कहाँ है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, तो कोशिश करना कि सीधा मिरर बनाओ, थोड़ा सा कर्व कर देना तभी सही आंसर आएंगे सारे। ठीक है, छोटे छोटे मिरर होते हैं अपने सिलेबस में। यहाँ पे मान लो पोल, यहां से 2 सेंटीमीटर मेजर करके लगाना फोकस, और वहां से 2 सेंटीमीटर मेजर करके लगाना सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे तो पता है इमेज कहाँ बनानी है, तो मैं तो बना लूंगा, मेरे को नियम, मेरे को पहले से इसके रिजल्ट भी याद है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे हम, ठीक है, खड़ा डंडा, ये ऑब्जेक्ट का सर, ये इसका पैर, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ा रहे, ये सब बहुत बेसिक चीज है। अब हम इसके सर से 2 रेज निकालेंगे और देखेंगे वो दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है। चलो, तो इसके सर से 2 रेज निकालना शुरू करते हैं। एक रे हम ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी लड़ने के बाद, फोकस से, पैरेलल आई तो फोकस से पास करेगी। दूसरी ले जाते हैं फोकस से, उसके बाद पैरेलल हो जाएगी, तो फोकस से ले गए, लड़ने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दोनों रेस कहां पे मीट कर रही, इस जगह, रिफ्लेक्टेड रेस, एक रे ये गई खचाक ये, एक ये रे गई, यहां पे नहीं मीट कर रही, रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट कर रही, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये गई फोकस से पास की पैरेलल, यहां दोनों रेस मीट की। आप स्केल वगैरह से बनाओगे और खूबसूरत डायग्राम बनेगा। ए से निकली है रेस, तो यहां बना ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे जोड़कर यहां आप लिख दो बी डैश। ए से रेस निकली तो यहां बना ए डैश, इसके जस्ट ऊपर एक सीधी लाइन खींच दो
प्रिंसिपल एक्सिस पे और लिख दो बी डैश, ये बन गई इमेज। बोला समझ में आया केस टू। ए से एक रे पैरेलल ले गए फोकस से पास की, एक फोकस से पास कराया पैरेलल, कचक कचुक यहां लड़े, ए का बन गया ए डैश। अब हम बात करते हैं इमेज की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की। तो इमेज इज, सबसे पहले पोजीशन बताओ कहां पे बनी इमेज, कहां पे बनी, सी और एफ के बीच में। तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेकंड पॉइंट, इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। अब देखो रियल इमेज तब होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट करे, सच में रियल, देखो रियल में मीट कर रही है कि नहीं, एक खचक एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है असलियत में, तो हम बोलेंगे रियल इमेज। अब ये बताओ ये इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज उल्टा बना है तो इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब चाहो तो अपने जीवन के लिए एक नियम याद कर लो कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, खेल खत्म। नहीं समझे, रियल क्यों है क्योंकि रेज असल में मीट की, इन्वर्टेड क्यों है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसे बनी उल्टा, ठीक है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तीसरी बात आती है कि इमेज की साइज के बारे में कमेंट करो, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। तो अगर आपने एकदम कायदे से डायग्राम बनाया होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनी होगी, तो आप लिख दोगे डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी होगी। अब इसी फैक्टर पे थोड़ा सा और बात करते हैं, ये तो हो गई एकदम मतलब नॉर्मल इंसान की भाषा, ये तो मतलब आपको बाहर एक ऑटो वाला भी बता देगा, रिक्शा वाले भैया भी बता देंगे कि भाई बियॉन्ड सी रखते हैं तो क्या डिमिनिश बनती है, छोटी हो जाती है। थोड़ा सा फिजिक्स मतलब आपको आती हो तो बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, कितना मैग्नीफाई हुई है इमेज, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं होता, छोटा एम इसका सिंबल है, छोटू सा एम, ये होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी ज्यादा है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कई लोग आई बाई ओ भी लिखते हैं, ठीक है। और मैग्निफिकेशन भी दो तरह के होते हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन की, लीनियर मतलब सीधा सीधा मैग्निफिकेशन, ठीक है, ऐसे का ऐसा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज कितना बड़ा या छोटा है, आई बाय ओ, और विद साइन रखा जाता है। विद साइन मतलब हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी है तो वो पॉजिटिव है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ भी है तो वो नेगेटिव है। जैसे वाई एक्सिस के ऊपर हाइट को क्या लोगे, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के नीचे, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर, वेरी सॉरी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वेरी सॉरी, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई चीज होती है तो प्लस और नीचे होती है तो माइनस, ठीक है। तो यहां पे आपको विद साइन रखना है, तो ध्यान से देखो यहां पे मैग्निफिकेशन कैसा आने वाला है, नेगेटिव की पॉजिटिव, मेरे ख्याल से तो नेगेटिव आएगा, क्या कहते हो, नेगेटिव आएगा कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, ये मान लो 5 सेंटीमीटर तो ये मान लो -3 सेंटीमीटर ऐसे। दूसरी चीज मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड की बात करो, इक्वल टू 1 > 1 < 1, मेरे ख्याल से तो लेस देन 1 आने वाला है क्योंकि ऊपर आप इमेज का साइज मॉड, मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया। जैसे मान लो इमेज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की, तो ऊपर -3, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, तो नीचे +5, समझ में आ रहा है कुछ की बाउंसर जा रहा है, ये +5 ये -3 है ना, तो -3/5 तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, कैसा माइनस, पर यहाँ तो हम मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मॉड लगा दिया तो मॉड क्या होगा, लेस देन 1। तो इतनी चीजें नोट करें, क्लियर है, आ रहा है समझ में, बहुत हलवा हलवा चीजें हैं। सर समझ गए सर, मेरा ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया, मेरी इमेज तो यहाँ बन गई ये बहुत होता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि छोटे भाई बहन को पीट कर, नहीं पीट के प्यार से चॉकलेट दे के उसकी स्केल ले लो, तो मुझे भी पता है तुम स्केल कैसे लाओगे, दे मेरी स्केल। मिटा रहे, मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं है तो मैं कभी ये अत्याचार कर नहीं पाया किसी के ऊपर, ठीक है, आई मिस दैट। मिटा रहे इसको, केस टू क्लियर हुआ, केस थ्री पे चलें, कहानी बनेगी पूरी, अभी बाद में जब केस वन आएगा ना तो पूरी कहानी समझाएंगे कि हुआ क्या, एक पूरी स्टोरी बनेगी अभी, चलो चलते हैं नेक्स्ट केस पे, केस थ्री। ए पहले कहां रखा हमने, सी और एफ के बीच में,
या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था। केस थ्री, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बड़ा फेमस एग्जांपल है, मैग्निफिकेशन इसका -1 आता है एग्जैक्ट। और देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, यहां पे पोल बना लेना, यहां पे फोकस बना लेना, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना भयानक कर्व मिरर मत बनाना, आंसर सही नहीं आएंगे, ठीक है? मुझे तो पता है कहां पे क्या लाना है। सी पे ही ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट एट सी, ये इसका हेड ए, ये इसका पैर बी। अब ए से दो रेज निकालेंगे, एक पैरेलल ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगी, फोकस से, खचक, ठीक है। दूसरी क्या कराएंगे, फोकस से पास करा के पैरेलल कर लेंगे, ठीक है? तो मैं बना रहा हूं, एक पैरेलल आए फोकस से पास की, और एक फोकस से पास करा के पैरेलल कर लेंगे, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मुझे पता है ऑलरेडी ना रिजल्ट क्या आएगा, इसलिए मैं मेजर करके नहीं लिख रहा, आपको मेजर करके करना चाहिए। ये देखो ये डायग्राम बना, एक रे हम पैरेलल ले गए फोकस से पास की, एक हम फोकस से पास कराए और उसके बाद पैरेलल हो गई, कहां मिली, यहां पे। तो ए से निकली थी, यहां बन गया ए डैश, सीधी लाइन जोड़ के यहां पे बना दो बी डैश। तो आपको दिख रहा है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे इमेज बनती है, ठीक है? थोड़ा मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, आप स्केल से बनाओगे 100% सही आंसर आएगा, ठीक है? सर आप चीटिंग कर रहे हो, अब इतनी बार आपको भी याद हो जाएगा, हो भी गया हो सकता है 9-10 में बढ़िया से पढ़ो। तो एक रे पैरेलल आए फोकस से पास की, एक फोकस से पास कराया पैरेलल चली गई, हमने देखा एक एकदम नीचे ए डैश बना, ठीक है? तो बात करते हैं इमेज की, इमेज इज सबसे पहले पोजीशन फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनी, है ना? यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम आएगा इस केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, यू और वी बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते, दूसरी बात होती है कि रियल है कि वर्चुअल है, तो रे सच में मीट की है तो रियल है, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, आग बंद करके लिख दो, चाहो तो डायग्राम देख लो, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज पलट गई। तीसरी बात होती है साइज की, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पेंसिल स्केल या पेन स्केल से एकदम प्रॉपर बनाओगे, अगर इसको आप 2 सेंटीमीटर बड़ा बनाओगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो तीसरी बात है कि इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एकदम बराबर की बनती है। तो जब हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरे ख्याल से तो -1 आ जाएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये -2, ये 5 सेंटीमीटर तो ये -5, तो हाइट ऑफ इमेज -5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 -2। नोट करें अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम आ जाता है, समझ जाओ कहां रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये फील है न्यूमेरिकल करते वक्त ऐसा होगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम, आप समझ गए कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है अभी, सब छाप लिया, चले नेक्स्ट केस पे चले, चलो चली। हाँ तो केस 3 की बात देते हैं, केस 4 केस 4 में हम आप रखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। देखो ऑब्जेक्ट को अंदर लाए हम, सी और एफ के अंदर ले आया, ठीक है? पहले सी के बाहर था, फिर सी पे आया, अब सी और एफ के बीच में आ जाओ, बच्चा हूं, यहां पे बनाएंगे पोल, इतनी डिस्टेंस पे फोकस, उतनी ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां है, सी और एफ के बीच में, ये रख दिया ऑब्जेक्ट मैंने, ए और बी। चलो रे डायग्राम बनाओ, खुद से रिजल्ट बताओ बना के, चलो आलसी हो, खुद से भी करो। बन गया, पॉज करके खुद से बना के लिख डालो, सब हो गया। चलो एक रे लाए पैरेलल, कहां से पास करेगी, फोकस, ये निकल गई। दूसरे कहां से पास कराए, फोकस से पास करा के पैरेलल कर दें, चलो ठीक है कर देते हैं। तो दूसरे पास कराई मैंने फोकस से, और अब हो जाएगी ये पैरेलल, कहीं यहां मिल रहा है, ठीक है ना? ए रुक जाओ,
सेंटर ऑफ करेचर मान लो यहां, तो यहां कहीं रेज मीट कर रही है, ठीक है, इस जगह पे। तो ए से निकली पैरेलल, गई फोकस से, और फोकस से पास की, उसके बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ए की इमेज यहां बनी ए डैश, टक 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 टक, ऊपर बन गया बी डैश, ये बन गई इमेज। तो इमेज कहां पे बनी है, कहां पे बनी है, सी के भी पार बनी है। इमेज की साइज देखो, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, इसलिए बोल रहे ना स्केल, स्केल से बहुत प्रॉपर आता है। तो देखो इमेज इज, इमेज इज, ठीक है सर, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट कर लिया, अरे मुझे रिजल्ट पता था, पैरेलल लाए फोकस से पास कराया, फोकस से पास कराया पैरेलल। इमेज इज पॉइंट नंबर वन फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अंदर आएगा ना इमेज वैसे वैसे बाहर भाग रही है। पहले केस में देखो ऑब्जेक्ट यहां था बियॉन्ड सी, इमेज यहां बनी थी, फिर ऑब्जेक्ट यहां आया इमेज यहां आई, फिर ऑब्जेक्ट अंदर आया इमेज बाहर भाग गई, समझ लो। फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज यहां बनी थी, फिर ऑब्जेक्ट यहां पे आया इमेज भी यहीं पे आई, फिर ऑब्जेक्ट अंदर खिसका इमेज बाहर, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर आएगा इमेज इधर भागेगी, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। दूसरी बात, रियल है कि वर्चुअल, रियल है सर, एक्चुअल में मीट कर रही है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, इन्वर्टेड है दिख रहा है, उल्टी बनी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात साइज की, तो इस बार थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, तो साइज में देखोगे इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। चौथा पॉइंट मैग्निफिकेशन की बात है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा नो डाउट, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव, धीमे धीमे चीजें समझते जाओ, जहां भी इमेज रियल होगी वहां पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि रियल हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के लिए तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये पांच, तो इस बार ये हो गया माइनस सात। दूसरी बात मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्निफिकेशन का, तो इस बार ग्रेटर देन वन होगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज माइनस सात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पांच, माइनस 1.2, है ना, 5 × 5 = 20, वेरी सॉरी, माइनस 1.4, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा, इनलार्ज हो गया, ठीक है, छाप ले। अच्छा ना इमेज की साइज देखो बढ़ती जा रही है, सब फील लो यार, जब यहां रखा था तो इमेज डिमिनिश थी, यहां आए तो इमेज सेम साइज हुई, यहां गए तो इमेज की साइज बढ़ गई, दो चीजें एक साथ हो रही है, दो चीजें ध्यान दो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा है इमेज बाहर भाग रही है, ऑब्जेक्ट यहां इमेज यहां थी बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट यहां आया इमेज यही है, ऑब्जेक्ट अंदर गया इमेज इधर। दूसरी चीज इमेज की साइज बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट यहां था इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट यहां आया इमेज सेम साइज हुई, ऑब्जेक्ट यहां आया इमेज की साइज बढ़ी, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज इधर, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, और धीमे धीमे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। छापो, रटने को तो ये सब आप किताब से, उस टेबल से भी रट सकते थे, फील बता रहे हैं क्या हो रहा है, मिटा रहे इसको, छाप लो, छाप लिया, चलें केस फाइव पे, चल केस फाइव, केस फाइव, केस फाइव, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो गया, ऑब्जेक्ट एट एफ, अब ऑब्जेक्ट को लाके फोकस पे ही रख देते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज और दूर भाग जाएगी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, उठाकर फोकस पे ही रख दिया, ये ए बी, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज यहां तक तो भाग ही चुकी है, इस बार इंफिनिटी पे भाग जाएगी। ए से एक रेल आए, किससे पास करा दो, फोकस से, पैरेलल आई तो किससे पास की, फोकस से, अब दूसरी रे क्या कराएं, अब मैंने एक ओब्लीक इंसिडेंस आपको सिखाया था कि यहां पे लड़ा लो, तो यहां पे लड़ा लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, और इतने पे ही रिफ्लेक्ट करा लो, ये एंगल ऑफ, सो सॉरी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दी थीटा, ठीक है, एक ओब्लीक इंसिडेंस वाला, ये दो रेस बनी। अब हमने कहा कि भाई इमेज तो वहां बनती है जहां पे रेज मीट करती हैं, ये रेज कैसी बन गई, पैरेलल रेज बन गई, पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, तो जहां ये मिलेगी वहां इमेज बनेगी,
बोले बात समझ में आ गई, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पैरेलल ले गए फोकस से पास की, दूसरी क्या करें, इस बार फोकस से पास नहीं करा सकते ना, कहीं से ऐसे थोड़ी ना करा दोगे, मिरर से ही ना लड़ेगी भैया, काम ही क्या हुआ, एक पैरेलल ले गए फोकस से पास की, दूसरी फोकस से नहीं पास करा सकते थे, तो ये वाला केस यूज कर लिया ओब्लिक इंसिडेंस का, ऐसे ले गए ऐसे आ गई, कैसी ले जाए पैरेलल लेस कहां मिलेगी, काम जाने इंफिनिटी पे मिलेगी है ना, इमेजिनरी कंसेप्ट, इमेज रियल है, इमेज इमेजिनरी नहीं है यार, इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी थोड़ी ना है, एक्चुअल में ये मिरर कितना छोटा होना चाहिए, लिमिट इसकी साइज टेंडिंग टू जीरो होता है, एक्चुअल में जीरो तो नहीं है ना, तो इंफिनिटी मतलब कि मान लो जैसे ये मिरर मान लो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इमेज बन जाएगी 5 मीटर की, 2 सेंटीमीटर के लिए 5 मीटर इज लाइक इंफिनिटी, एक्चुअल इंफिनिटी तब तो पता ही नहीं चला, इमेज इमेज दिखेगी, इमेज दिखेगी, एक्चुअल में इंफिनिटी में नहीं बन रही, बनना इमेज दिखाई नहीं पड़ती, जब अगर आप कैमरा यूज करते हो अपने फोन में ही आपका कैमरा होगा वो तो यूज करते हो, तो पता नहीं फोन में होता है कि नहीं, उसमें आप फोकस सेट करना, उसमें एक इन्फिनिटी आता है फोकस में, तो इन्फिनिटी फोकस पे ऐसा थोड़ी ना कि आपको चीज दिखी नहीं रही, इन्फिनिटी फोकस मतलब उस डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये इन्फिनिटीज है, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो उसके कंपेरिजन में ये इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, मतलब 2 सेंटीमीटर के सामने मान लो 10 मीटर है, तो इन्फिनिटी जितना बड़ा हो गया, समझ रहे हो, 2 सेंटीमीटर के सामने 10 मीटर, 10 मीटर मतलब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, तो इसके सामने ये कैसा हो गया, इन्फिनिटी जैसा। खैर टॉपिक पे आते हैं, इमेज इज एक्चुअल में इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है, इसके कंपैरिजन में इन्फिनिटी, इमेज इज पहला पॉइंट, अब लिखोगे तो यही formed at infinity, भैया ये parallel rays हो गई ना मिलनी infinity, देखो ये बात सही भी है, अब object को पास लाते जा रहे हो, image दूर जा रही थी, object यहाँ रखा image यहाँ बनी, object यहाँ रखा image यहाँ बनी, object यहाँ रखा image यहाँ बनी थी between C and F, object यहाँ रखा image भी बन गई, object यहाँ रखा image इधर आई, object यहाँ रखा image भाग गई कहाँ, infinity की तरफ। second point, ये image real है कि वर्चुअल है, यहां पे डाउट होता है कि सर ये तो कहां मिलेगी, सोचो सोचो ये कहीं दूर जाकर मीट की इंफिनिटी पे, जहां पे मिलेंगी वहां पे आप लिखोगे ए डैश, ये यहां नहीं हो रहा है बहुत, और ये लाइन खींचोगे, और ये लाइन खींचो छे, और ये लाइन खींचोगे और ये लिखोगे बी डैश, ध्यान से देखो ये रियल और इन्वर्टेड ही तो बनी, तो इमेज जहां भी बनेगी कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में इंफिनिटी नहीं, एक्चुअल में बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी, ये बोर्ड खत्म होने के बाद कहीं दूर जाके जब ये मिलेगी तो ऐसे नीचे ही तो मिलेगी, तो एक ही इमेज उल्टी होके ए डैश नहीं तो बनेगा, तो ए भी पलट जाएगा कि नहीं, तो रेस एक्चुअली मीट करेंगी इंफिनिटी पे, तो रियल और उल्टा बना तो इन्वर्टेड। अब आती है बात साइज की, तो साइज दिख रहा है कि काफी बड़ी हो जाएगी, भाई ये रेस दूर जाके कहीं मिली, कहीं दूर जाके, तो ए डैश बहुत नीचे, बी डैश बहुत ऊपर, तो इमेज की साइज बहुत बढ़ गई है, तो अब आप बोलोगे हाईली मैग्नीफाइड, आप टर्म यूज करोगे हाईली मैग्नीफाइड। चौथा पॉइंट, मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव होगा, और मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट विल बी मच मच ग्रेटर देन वन, बहुत बड़ी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का रखा, इमेज 10 मीटर की बन गई, बहुत बड़ी, मैग्निफिकेशन इज मच मच ग्रेटर देन वन, है ना, मैग्निफिकेशन नीचे इमेज साइज 1000 सेंटीमीटर लंबी और ऑब्जेक्ट साइज 2 सेंटीमीटर, नेगेटिव तो रहेगा क्योंकि उल्टा है, तो वन से बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन है, नोट कर लो, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, कभी भी इंफिनिटी से रेज आ रही हो, क्या बोल रहा, छोड़ो अच्छा उसको बाद में, पहले इसको नोट करो, ऑब्जेक्ट जब भी फोकस पे इमेज इंफिनिटी पे, सब कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, दिमाग में रहना चाहिए, छाप लिया मिटा रहे, चल नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट को और अंदर लेके जाते हैं, पहले सी के बियॉन्ड था फिर सी और एफ के बीच में आया, पहले सी के बियॉन्ड था फिर सी पे आया फिर सी और एफ के बीच में आया,
फिर एफ पे आया, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन केस सिक्स, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी वेरी स्पेशल केस, फूलों का तारों का सबका कहना है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी स्पेशल केस है। इसको याद रखना, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी इज वेरी वेरी स्पेशल। आपने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट ए बी, बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। ए बी, एक रे गई पैरेलल किससे पास की, फोकस से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी कहां से पास कराएं, फोकस से करा पाएंगे क्या? फोकस से पास कराओगे पीछे चली जाएगी। चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंसेप्ट यूज करो, चाहो तो ओब्लिक इंसिडेंस, ओब्लिक इंसिडेंस बहुत प्यारा। एक रे ऐसे गए कच्चक पे मारा, यहाँ पे एंगल थीटा और यहां से रिफ्लेक्ट करा लेते हैं ऐसे, ये एंगल भी थीटा, बोलो सही। अब ये दोनों रेज बच्चों डाइवर्जिंग रेज हैं, फैल रही है कि नहीं, डाइवर्ज कर रही है, दूसरे से दूर भाग रही है। डाइवर्जिंग रेज मीट एट नेवर, दे नेवर मीट, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। दो लाइन एक दूसरे से दूर भाग रही है तो इंफिनिटी पे जाके बहुत दूर हो जाएंगी, मिलेगी थोड़ी ना। पैरेलल रेज मिलती है इंफिनिटी पे, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, मतलब इमेज बनेगी नहीं। यार अगर मैं इन रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो शायद ये मिल जाए, यहां तो नहीं मिल सकती। कहानी में तो देखो इमेज सबसे दूर तो बनी चुकी है, कहां बनेगी? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास ला रहे थे वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही थी क्या? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास ला रहे थे वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही थी। नीचे जाओ, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी। अब कहां जाएगी इमेज? इंफिनिटी तक जा चुकी, अब इमेज पीछे बढ़ना चालू करेगी। ये रेज इधर नहीं मिलेंगी, ये रेज पीछे पीछे, देखो पीछे, ए ये मिली, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड करके। डाइवर्जेंट रेज नेवर मीट, दे मीट ओनली इफ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, दे मीट ओनली इफ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। The only case of concave mirror where real image is not formed, rays do not meet actually, rays appear to meet, ऐसा लगता है कि पीछे produce करने पे ये मिल जाएंगी। तो क्या ये image दिखाई नहीं पड़ती? सर पड़ती है यार, शीशे के अंदर दिखाई पड़ती है, इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। बाकी सारी इमेजेस स्क्रीन पर, रियल इमेज स्क्रीन पे आ सकती है, सिनेमा का जो पर्दा होता है उस पर दिख सकती है, पर ये सिर्फ शीशे के अंदर दिखेगी। है ना, जब हम लोग शेविंग करते हैं, आप में से पता नहीं कितने लोग शेव करते हैं, यार लड़कियां बोलेंगी सर हमारी बात। हाँ तो लड़कियां जब मेकअप करती है, हाँ तो जब तो छोटे छोटे बच्चे हम लोग, खैर क्या होता है, तो जब आप शेविंग करते हैं या मेकअप करते हैं बोथ केस, तो आप मिरर को अपने एकदम पास रखते हैं, छोटे वाला गोल वाला मिरर या बड़ा वाला जैसा भी आपको यहाँ, और आप देखते हैं आपके बियर्ड का एक एक बाल आपको बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, बड़ा बड़ा दिखता है, जरा देखना, जरा देखना, और सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है, ऐसा नहीं शक्ल उल्टी दिख रही। ये ए है, ए से रे पैरेलल गई फोकस से पास की, और ये दोनों रेज एक ही हैं, दोनों रेज एक ही हैं, यहां क्या बनेगा? ए डैश, दोनों रेज एक ही है ना, तो ए डैश, और यहां बन गया बी डैश। इमेज देखो साइज में बड़ी भी है और सीधी भी है, यही तो हम चाहते हैं कि हम पास में शीशा रखें, चेहरे का एक एक कोना सीधा दिखे और बड़ा दिखे। तो ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है, ये होता है, हमारा शेविंग मिरर्स में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें खासियत ये होती है कि ऐसे मिरर का फोकस बहुत बड़ा होता है, क्या क्या बता रहे हैं, इसका फोकस बहुत, ऐसा मिरर बनाया जाता है जिसका फोकस बहुत बड़ा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकस भी ज्यादा होगा, है ना भाई, ये आर ज्यादा होगा तो आर बाई टू भी ज्यादा होगा, इसका फोकस बहुत बड़ा। इससे फायदा क्या है कि आप कहीं पे भी मिरर रखो, आपने यहां मिरर रखा,
तो आपका जो चेहरा है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में पड़े, मतलब यहां भी रख रहे हैं मिरर तो इसका फोकस आपके चेहरे के पीछे है कहीं, मतलब आपकी शक्ल हमेशा मिरर और फोकस के बीच में आती है। ऐसा ना हो तो भाई इन्वर्टेड इमेज बनने लगेगी, है तो वो भी कॉनकेव मिरर ही। शेविंग मिरर इज अ कॉनकेव मिरर, नथिंग एल्स। शेविंग मिरर इज अ कॉनकेव मिरर, बस उसका फोकस बहुत बड़ा होता है। चलो बहुत डिस्कशन हो गया, आते हैं अपन। इमेज इज, इमेज इज पहली बार फॉर्म, अब इस वाले को के फॉर्म्ड इनसाइड मिरर। जैसे प्लेन मिरर में इमेज हमेशा इनसाइड मिरर बनती थी, बट कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पे पहली बार हुआ इमेज इनसाइड मिरर बनी, और वहां पे याद करो प्लेन मिरर में इमेजेस हमेशा वर्चुअल होती थी, ये भी इमेज वर्चुअल है। रेज डू नॉट मीट एक्चुअली, दे अपीयर टू मीट, सो द इमेज इज वर्चुअल। सीधी है कि उल्टी है? सीधी है भैया, तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, या इसको कई लोग अपराइट भी लिखते हैं। अपराइट मतलब भी सीधा, इरेक्ट मतलब भी सीधा। पहली बार, इसीलिए स्पेशल केस लिखा बिटवीन एफ एंड पी। पहली बार इमेज सीधी बनी है, हर बार इमेज उल्टी 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 बन रही थी, पहली बार इमेज सीधी बनी है। और ये भी याद रखो कि अपराइट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। प्लेन मिरर याद करो, प्लेन मिरर में सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज। अपराइट इमेज हमेशा वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल। बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट आया साइज के बारे में, तो दिख रहा है कि मैग्निफाई भी है, हाईली मैग्निफाइड नहीं कह सकते, जस्ट मैग्निफाइड। चौथा पॉइंट आएगा एम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार एम पॉजिटिव हुआ है। द ओनली केस ऑफ न्यूमेरिकल में काम आएगी चीज, द ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर वेयर एम इज पॉजिटिव। देखो अगर ये 2 सेंटीमीटर या ये 5 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार इमेज भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। इमेज की साइज मान लो प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की प्लस 5 सेंटीमीटर, तो प्लस 2। यानी पहली बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, और कैसा है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 तो पहले भी आया था। अरे ग्रेटर देन 1 तो तब भी आया था जब बिटवीन सी एंड एफ रखा था। बिटवीन सी एंड एफ रखने में भी ग्रेटर देन बनाया था, पर तब नेगेटिव था, पर इस बार पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर वेयर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, वेयर इमेज इज अपराइट, वेयर इमेज इज वर्चुअल। सभी के लिए एक स्पेशल केस है। सारे केसेस में इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एक ही केस है जिसमें वर्चुअल अपराइट बनी है। सब में मैग्निफिकेशन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव। ये तो हुआ है पहले भी बिटवीन सी एंड एफ। तो ये 6 के 6 केस हो गए। पहला केस अब पढ़ाएंगे, 2 से लेकर 6 तक पढ़ाए, अब फर्स्ट केस आएगा। और फर्स्ट केस के आते ही ये कहानी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे घर अर्जुन आएंगे, नोट करो पहले इसको। कब आएगा सर? फर्स्ट केस आ ही नहीं रहा। तुम्हें ये लेना, डेडिकेटेड टू ऑल माय बंगाली स्टूडेंट्स, कैन ये लेना। यार इसके आगे इसके वर्ड्स बड़े अजीब है। भालो भालो मोने आमर के ले लो ए शाबुनो रे शुंडा बिला। प्लीज बंगाली स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा, मेरे प्रोनंसिएशन में काफी मिस्टेक है मुझे लगता है। ये गाना मैंने बचपन में दुर्गा पूजा के पंडाल में सीखा था। केस 1, ठीक है, गाने बताया है कुमार सानू ने। केस 1 पे आते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यही तो छोड़ दिया था। अरे कॉन्वेक्स में ना 2 ही केस है, टेंशन मत लो। कॉनकेव में होते हैं 6 केस, कॉन्वेक्स में 2 केस। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेस कहां से आ रही है? इंफिनिटी, एक्चुअल इंफिनिटी से नहीं। वही बात कि अगर ये 2 सेंटीमीटर तो रेस 10 मीटर दूर से आ रही है, इसके लिए इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। किसी को इस चीज पे डाउट तो नहीं है? एक बात समझ लो, पैरेलल रेज कहां पे मिलती हैं? इंफिनिटी। और पैरेलल रेज कहां से आती हैं? इंफिनिटी। पैरेलल रेज का एक ही ठिकाना इंफिनिटी या फोकस पे आना, ठीक है। पैरेलल रेज कहां जाती हैं? इंफिनिटी पे। कहां से आती हैं? इंफिनिटी से, ठीक है। तो एक और पैरेलल ले लिया। अब आपने रूल पढ़ा है कि रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल हैं तो कहां पे मिलेंगी? फोकस पे। ये मिली फोकस पे। सर इमेज है कहां?
सर ए बी कहाँ है, यही है सर ए बी कहाँ है, इसके अंदर देखो एच एच नीचे ए डैश है ऊपर बी डैश। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नीचे ए डैश बी डैश, क्योंकि इमेज रियल है। इतनी देर से यही तो फील ला रहे थे आपको, क्योंकि इमेज रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी। ये कौन सी बात है, हम नहीं मानेंगे, कोई बात हम तो आपको बताएंगे। ये पोल ये फोकस याद करो जरा, सर्दी में बोलिए, यहां आपने जब ऑब्जेक्ट रखा था तो रेज ऐसे आई थी, फोकस से पास की थी और फोकस से पास करके ऐसे गई थी और यहां पे इसकी इमेज बनी थी, याद आया। और ये इमेज शायद छोटी बनी थी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ तो रे डायग्राम हमने बिना स्केल और बिंग 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 बिना स्केल और मेजरमेंट के बनाया, पर इमेज कैसी बनी थी, छोटी, समझ लो, एक बार समझ लो हमेशा याद रहेगा। ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बनी थी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में, इमेज कहां बनी थी, सी और एफ के बीच में, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, यहीं से स्टार्ट हुई कहानी के इशू से। अब सुनो, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को और बियॉन्ड सी करूं, यहां कर दूं दूसरी वहां से निकाली फोकस से, ये देखो इमेज यहां पहुंच गई, आया क्या बात समझ में आई क्या, टिंग डिंग 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 डिंग, नहीं समझाऊंगा मैं, सर ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अरे हो रहा है भाई, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा, मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां से, चले फोकस पे, यहां से चलते बिटवीन एफ एंड पी, तो छोड़ दो, तो स्पेशल केस है, अदर साइड वर्चुअली रेट मैन एफ पी, इमेज कहां बनी, इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बनी, हाई मैग्निफाइड, यहां रखा, इमेज कहां बनी थी, इमेज कहां बनी थी, बियॉन्ड सी मैग्निफाइड, फिर कहां रखा, यहां रखा, इमेज कहां बनी, सी पे ऑफ सेम साइज, फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के पार रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज यहां बनी थी बिटवीन सी एंड एफ और थोड़ी सी छोटी हो गई थी। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर सी से और बियॉन्ड लेके जाएं, और बियॉन्ड लेके जाएं, किचका किचका, देखो इमेज इधर भाग गई और एफ की तरफ भाग रही और छोटी होती जा रही है। इसी ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाए, ये देखो इमेज यहां आ गई, इमेज धीमे धीमे एफ की तरफ भाग रही है और साइज में छोटी होती जा रही है। तो ऑब्जेक्ट को ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते कहां ले गए, इनफिनिटी। और देखो ये इमेज की साइज छोटे होते 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 पॉइंट साइज की हो गई। इसके जस्ट पहले वाला जो केस रहा होगा वो ऐसा कुछ रहा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। इसलिए मैं श्योर हूं कि ये इमेज इन्वर्टेड है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ये तो रटाने की बात हो गई, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रही कहानी, मुझे कहानी दिख रही है, जब ऑब्जेक्ट मैं फोकस पे रखूंगा तो इमेज इंफिनिटी पे हाईली मैग्निफाइड, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज बियॉन्ड सी मैग्निफाइड, ऑब्जेक्ट एट सी इमेज एट सी सेम साइज, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इमेज बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट मोर बियॉन्ड सी इमेज मूव्स टुवर्ड्स फोकस मोर डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट मोर बियॉन्ड सी इमेज मूव्स टुवर्ड्स फोकस मोर डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट मोर बियॉन्ड इमेज मोर, करते करते इंफिनिटी और इमेज एकदम यहां पे आके पॉइंट साइज हो गई, आ गया। सो फाइनली वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इज नहीं आया तो यहां पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेके ऑब्जेक्ट को सी के 2 सेंटीमीटर दूर रखना, 4 सेंटीमीटर दूर रखना, फिर 6 सेंटीमीटर दूर रखना, देखना इमेज तुम्हारी, और रे डायग्राम बनाना, रे डायग्राम आ गया ना, एक पैरेलल फोकस से, एक फोकस से और पैरेलल, एकदम तमीज से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, पहले 2 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखना, फिर 4 सेंटीमीटर दूर, फिर 6 सेंटीमीटर दूर, करके देखना इमेज छोटी होती जाएगी और फोकस की तरफ भागती जाएगी, करते करते इंफिनिटी हो जाके इमेज है। तो इमेज इज फर्स्ट पॉइंट फॉर्मड एट एफ, सेकंड पॉइंट रियल है कि वर्चुअल है, रियल है भाई, देख रहे हो सारी इमेज रियल थी, इंफिनिटी वाली भी रियल ही होगी, है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों है, फील आ रहा है बहुत छोटी है बट इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड, छोटी नहीं है बहुत छोटी है, इसको यह भी लिखा जाता है पॉइंट साइज, इतनी छोटी है कि पॉइंट साइज। चौथा पॉइंट मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है
and is much much less than 1. Object 10 centimeter, 10 meter ka image minus 2 centimeter, बहुत छोटी है, माइनस टू बटे हजार सेंटीमीटर, ये मच मच लेस देन वन एंड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा कॉनकेव में, एक्सेप्ट फॉर द केस बिटवीन एफ एंड पी. जल्दी से हम लोग कॉनकेव के सारे केस को रिवाइज करेंगे, इसको नोट कर लें आप, फिर कॉनकेव के सारे केस को रिवाइज करेंगे. कॉन्वेक्स में सिर्फ दो केस है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नोट कर लिया इसको, सारे केसेस क्लियर हो गए. ये हमारा केस नंबर वन कि इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी, पॉइंट साइज छोटी सी बनी, इसलिए मैग्निफिकेशन इज मच 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 लेस देन वन. और नेगेटिव है क्योंकि मैंने बताया जस्ट पहले जो इमेज बनी होगी वो इन्वर्टेड होगी. क्लियर है? तो यहां पे हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है. क्या क्या पढ़ा आपने, अब यहां से शुरू करेंगे केस वन से. ठीक है, चलो कहानी शुरू हुई. सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर बहुत दूर, पैरेलल रेज आई, फोकस पे इमेज बनी. कैसी इमेज है? रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज. फिर ऑब्जेक्ट को लेके आए हम बियॉन्ड सी यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, तब इमेज कहां बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ. देखो पहले इन्फिनिटी पे इमेज एफ पे, फिर यहां लाए बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ. कैसी थी? डिमिनिश थी, है ना, यानी थोड़ी बड़ी हुई. देखो ये पहले फोकस पे थी, फिर ऑब्जेक्ट को जब यहां पे लाए इन्फिनिटी से इधर लाए तो इमेज इस तरफ आ रही. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है इमेज इधर आ रही है और इमेज की साइज बढ़ती जा रही है. बोलो फील हो रहा है? अब इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे, पॉइंट साइज इन्फिनिटी से थोड़ा इधर लाए तो इमेज इधर आ रही है और साइज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी यहां तक. जैसे ही सी पे पहुंचोगे इमेज कहां बनेगी? सी पे, सेम साइज की. इन्फिनिटी से इधर आए इमेज फोकस से सी की तरफ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी की तरफ इमेज फोकस से सी की तरफ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी आया इमेज फोकस से सी आई और इमेज की साइज बढ़ती गई, रियल इन्वर्टेड है. जैसे ही सी पे आए इमेज सी के नीचे बराबर साइज की. इसके बाद जैसे ही सी से आगे बढ़े क्या हुआ हमारा? इमेज की साइज और बढ़ी. देखो इमेज की साइज यहाँ पे कैसी थी? पॉइंट साइज. यहाँ आए साइज बढ़ी और इधर आए साइज बढ़ी, यहां पहुंचे सेम साइज पे पहुंच गया. जैसे ही इसके आगे पहुंचे यहां पे इमेज बनी थी कैसी? मैग्निफाइड. और आगे गए फोकस पे इमेज कहां चली गई? इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्निफाइड. पूरी कहानी समझ में आ गई अब. और एक केस तो आखिरी मैंने बोला एकदम एंड में, एफ और पी के बीच वाला स्पेशल केस है. इमेज बिहाइंड द मिरर बन गई, इनसाइड द मिरर बन गई, बिहाइंड नहीं इनसाइड द मिरर बन गई. और पहली बार ऐसा हुआ कि इमेज हमारी सीधी बनी, इरेक्ट या अपराइट, और वो वर्चुअल हुई, वो मैग्निफाइड थी. तो क्या क्या कहानी हुई? होल, फोकस, सी में चाहता हूं फील आ जाए, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे पॉइंट साइज, इन्फिनिटी थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे इमेज बनी, और आगे आए इमेज यहाँ पे बड़ी हुई, यहाँ पहुंचे इमेज सेम साइज हुई, यहाँ पहुंचे इमेज का साइज बढ़ा, यहाँ पहुंचे इमेज इन्फिनिटी पे वेरी लार्ज साइज. तो धीमे धीमे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आया तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ चली गई और इमेज का साइज लगातार बढ़ता गया. अब पिक्चर एकदम साफ दिख रही है. इन्फिनिटी पे रखा तो पॉइंट साइज, इधर आए इमेज की साइज बढ़ी और इधर आए साइज और बढ़ी, और इधर आए सेम साइज की हुई और इधर आए बड़ी साइज हो गई, और फोकस पे पहुंच के इमेज इन्फिनिटी पहुंच के हाईली मैग्निफाइड. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट चलता 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 फोकस से पहुंचा, इमेज चलते 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 इन्फिनिटी पे पहुंची. और सभी केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, सिवाय एक लास्ट केस जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तब इमेज इन्फिनिटी तक बनी चुकी थी. भाई इन्फिनिटी से होते 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 आप फोकस पे आ चुके थे, ये ऑब्जेक्ट की कहानी थी. और इमेज की कहानी क्या हो रही थी? इमेज की कहानी ये थी कि इमेज फोकस से होते होते इन्फिनिटी तक जा चुकी थी और साइज लगातार इमेज का बढ़ता जा रहा था. अब आप फोकस से भी आगे बढ़े तो इमेज ऑन द अदर साइड या इन साइड द मिरर बनी, और कैसी हुई? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. याद रखना कॉनकेव मिरर सिर्फ एक केस में सीधी इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस में उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी हर जगह उल्टी इमेज. कब? बिटवीन एफ एंड पी. और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है उस टाइम मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा भी है, मतलब सीधी इमेज कॉनकेव मिरर जब बनाएगा तो मैग्निफाइड बनाएगा. अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे.
इतना एम्फेसाइज करके क्यों बता रहे हैं अभी समझ जाओगे। कॉन्वेक्स मिरर पे इसके लिए भी हमको देखने पड़ेंगे हैशटैग रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सिमिलर रूल्स हैं, ठीक है। पहला नियम, यहां कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, कचर 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 कचर, बल्जिंग साइड पे रिफ्लेक्शन होगा, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल रे, पैरेलल रे आएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल रे आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे प्रोड्यूस करने पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करेगी। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ होता है, देखो सर्किल इधर कंप्लीट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ कहीं होगा, क्लियर है। इसका सर्किल या इसका स्फीयर जिसको बोलते हैं, इसका स्फीयर इधर बन रहा है, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो, इसका स्फीयर इस तरफ, सेंटर इस तरफ, फोकस इस तरफ, तो पैरेलल रे आके डाइवर्ज हुई, पीछे प्रोड्यूस करने पे फोकस पे मिली। दूसरा नियम देखो, इसमें वैसे ख्याल हमें बहुत ज्यादा नियम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें दो ही केस ही बनते हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखो, अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही, अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही तो मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी, एकदम सेम कॉनकेव मिरर वाली कहानी, वहां पैरेलल आई थी तो फोकस पे एक्चुअली मिली थी, यहां पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो गई और अपीयर्स टू मीट एट फोकस, है ना। यहां से कोई बंदा अगर देख रहा होगा इस रे को तो उसे थोड़ी ना पता पैरेलल आ रही है, वो तो सोचेगा ये रे कहां से आ रही है, फोकस से। उसी तरह से अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है तो मिरर से लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस देखो, तीसरा केस भी एकदम सेम है, बोले यहां तक आया भाई, वहां पे रियल फोकस था, यहां पे इमेजिनरी फोकस होता है कॉन्वेक्स का, इमेजिनरी, पैरेलल रे आई डाइवर्ज, पीछे फोकस, एक रे फोकस की तरफ जा रही थी पैरेलल, वहां एक्चुअली फोकस से पास करके पैरेलल हुई थी, यहां पैरेलल यहां फोकस की तरफ जा रही थी, ठीक है। काफी देर हो गया, थोड़े से वर्ड्स फंबल कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, अच्छा फंबल बंबल छोड़ो, आओ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पे। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो मिरर से लड़ने के बाद जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट जाएगी। चौथे नियम की यहां कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्लिक इंसिडेंस वाली कोई नियम नहीं है, इसी से काम बन जाएगा। पैरेलल आई तो डाइवर्ज हुई पीछे फोकस पे, फोकस पे जा रही थी पैरेलल, एकदम कॉनकेव मिरर वाला, वहां पैरेलल आई थी तो फोकस पे मिली थी और फोकस से गुजरी थी तो पैरेलल हो गई थी। यहां भी सेम है, यहां पैरेलल आई तो डाइवर्ज हुई, ऐसा लग रहा है फोकस से आई, और फोकस पे जा रही तो पैरेलल हो गई। और ये क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही, भाई इसके अंदर तो रे नहीं आएगी ना, मिरर है भाई, लेंस थोड़ी ना है कि लाइट को अंदर आने दे, मिरर है, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की तुम जरूरत करोगे तो लाइट जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाएगी। नोट करें, नोट करें, चलिए कर लिया। आई तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें सिर्फ दो केस लेने हैं, वहां छह केस बने थे, यहां नहीं बनते। यहां पहला केस है केस वन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, एनी कहीं भी रख दो एक्सेप्ट इंफिनिटी, बस इंफिनिटी पे मत रखना, दो ही केस बनेंगे, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी और एक इंफिनिटी पे ही रख दें, कहीं भी रख दो। तो यहां हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, टक 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 टक, यहां कहीं इसका फोकस, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख, जहां आपका मन करे, जहां दिल करे, जहां इच्छा करे, मैंने यहां रख दिया। नामकरण ए बी, चलो रेज निकालते हैं इसके सर से, एक रे पैरेलल लेके गए, क्या होगा, डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा कि वो रे कहां से आ रही, फोकस से, तो पहले ही फोकस से जोड़ लो और ऐसे बना लो, बोलो सही कर लो, यहां रे आएगी डाइवर्ज होगी और लगेगा फोकस से आ रही। दूसरी रे क्या करा जाए, क्या करा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजा जाए एक रे, यहां से स्केल रख के दमदमी से एक लाइन स्ट्रेट बनाने की कोशिश करो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये। अब अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो ये मिरर से लड़कर वापस अपने रास्ते पे चली जाएगी। ए से निकलने वाली एक रे ये है, देखो एक रे पैरेलल आई, मिरर ने डाइवर्ज कर दिया ऐसे, दूसरी रे जाना चाह रही सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मिरर से लड़ते ही रिफ्लेक्ट हुई, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना चाहती है, जा नहीं पाई, लड़कर वापस अपने ही रास्ते ऐसे चली गई। बोलो आया, यहां से निकली कटाकुटुक, कटाकुटुक। अब ये दोनों रेस कहां मिलेंगी बच्चों,
जैसा कि आपको दिख रहा है ये डाइवर्जिंग रेज हैं एंड डाइवर्जिंग रेज विल नेवर मीट। कहां मिलती है डाइवर्जिंग रेज? प्रोड्यूस बैकवर्ड करने पे दिख रहा है इस जगह पे मिली है प्रोड्यूस बैकवर्ड पे। ये यानी ये बनेगी इमेज, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। क्या रेज सच में मीट की हैं? नहीं भाई, सच में कैसे मीट करेंगी, डाइवर्जिंग रेज हैं। कहीं भी रखना हो ऑब्जेक्ट, कहीं भी रख दो, यहां रखा तो और दूर रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं, कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट। यहां से देखते हैं, कहीं भी रख दो, एक रे पैरेलल है डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही, तो पहले फोकस से मिला लिया फिर डाइवर्ज किया, और एक सेंटर ऑफ कर गई चक की तरफ, ये बनी इमेज। हमेशा 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 बिहाइंड द मिरर, कभी एक्चुअल में रेज मीट नहीं करेंगी, हमेशा रेज देखो ये आई और ये पलट कर चली गई, हमेशा रेज डाइवर्जिंग नेचर की होंगी, यानी इमेज हमेशा वर्चुअल, और बच्चों वर्चुअल के साथ कैसी बनती है, इरेक्ट या अपराइट, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, इमेज अपराइट यानी सीधी बनी है। तीसरी बात करें साइज की तो दिख रहा है साइज छोटी हो गई है तो डिमिनिश इमेज बनेगी। चौथी बात मैग्निफिकेशन की, यहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहां लिखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप याद करके बैठ जाओ कि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज सीधी सीधी, और हमेशा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन वन होगा। दिख रहा है इमेज की साइज छोटी हुई। कनकेव के पास तो क्या वैरायटी थी भाई, मैग्निफिकेशन वन के बराबर भी हुआ था जब सी पे रखा था तब बराबर की इमेज बनी थी, वन से छोटा भी था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चल के सी तक पहुंचा था, और वन से बड़ा भी था जैसे ही सी के हम आगे गए एफ की तरफ तो बढ़ते गए साइज, है ना, वहां सब था हमारे पास, मैग्निफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, हाईली मैग्निफाइड, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, यहां कुछ नहीं, यहां वैरायटी नहीं है इनके पास, एक ही तरह की इमेज बनाते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो बिहाइंड द मिरर वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड एंड ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। अब इसमें कहानी यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर ले जाओगे वैसे वैसे ये इमेज फोकस की तरफ जाएगी और छोटी होती जाएगी, एज ऑब्जेक्ट मूव्स फार फ्रॉम मिरर, ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से, इमेज मूव्स टुवर्ड्स एफ एंड बिकम्स स्मॉलर। बोलो कहानी क्लियर है? अब इसी ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो इमेज यहां पहुंच जाएगी और छोटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे इमेज यहां पहुंच जाएगी और छोटी हो जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज फोकस के पास जाते हुए छोटी होती जाएगी, ये बात नोट करें। As object moves far from mirror, image moves towards F and becomes smaller, छोटी होती जाएगी, इसकी इतनी ही कहानी, खत्म भाई राम, कहानी सारी खत्म। कंकेव में तो पूरी कहानी थी, इंफिनिटी से ला रहे तो इमेज ऐसे जा रही है, बड़ी होती जा रही है, F and P के बीच में लाए तो इधर आ गई, यहां कुछ नहीं, यहां जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि एफ की तरफ पास जाती जाएगी और छोटी होती जाएगी, ये कभी भी रियल इमेज नहीं फॉर्म करते, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म करते। अब कहोगे सर एक केस बचा है इन्फिनिटी का, अरे यही केस तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर करते 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 कहां ले जाओ, इन्फिनिटी पे, इमेज एफ के पास होते 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 कहां पहुंच जाएगी, एफ पे, छोटी होते 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 क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज, नोट करो बनाए कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। चलिए दो ही केस हैं इसमें, दूसरा केस टू
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बच्चों कैसी रेज आएंगी? पैरेलल, पैरेलल रेज इंफिनिटी से आती हैं और पैरेलल रेज इंफिनिटी पे ही मिलती हैं। तो दो पैरेलल रेज हम ले आए ऑब्जेक्ट से। अब ये दोनों पैरेलल रेज क्या होंगी? डाइवर्ज, और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही, ऐसे इधर भी ऐसे, लड़ी डाइवर्ज, लड़ी डाइवर्ज, ऐसा लग रहा कहां से आ रही? फोकस। दोनों रेज कहां मिल रही? फोकस पे। तो कहानी क्लियर हो गई, इमेज इज पॉइंट नंबर वन फॉर्म्ड एट एफ, पॉइंट नंबर टू इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट। अब ये कैसे मैं बोल सकता हूं? वर्चुअल तो दिख ही रही है कि रेज अपियर टू मी क्या, अपराइट मैंने कैसे बोला भाई? ये तो पता नहीं सीधी कि उल्टी, अपराइट मैंने ऐसे बोला, पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दूर करते जाओ इमेज सीधी ही थी और धीमे धीमे एफ की तरफ जा रही थी। पिछले केस मैंने आपको दिखा दी थी ये चीज, दिखा दिया था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर ले जाओगे इमेज पहले यहां बनेगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां छोटी होती जाएगी। तो इमेज छोटी होती जाएगी पर हमेशा सीधी रहेगी। तीसरा पॉइंट, इमेज कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। ये तो कॉनकेव में भी हुआ था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड। चौथा पॉइंट, मैग्निफिकेशन का अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि इसके जस्ट पिछले केस में इमेज सीधी ही बनी होगी। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मच मच लेस देन वन। कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नोट कर लें, नोट कर लें, तैयार हो गया, जल्दी से रिवाइज कर ले एक बार, हम लोग एक लास्ट कंक्लूजन लिखे। रिवाइज कर लिया? ओके, सो लास्ट में हम एक कंक्लूजन बोल सकते हैं, अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये हर तरह की इमेज बनाता है, ये इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और ये अपराइट इमेज भी बनाता है। इन्वर्टेड में क्या ये डिमिनिश्ड इमेज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, इंफिनिटी पे देगा, इंफिनिटी और सी के बीच में देगा, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव एंड मैग्निफिकेशन लेस देन वन। दूसरा, क्या इन्वर्टेड में ये मैग्निफाइड इमेज दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ऑब्जेक्ट कहां रखो? बिटवीन सी एंड एफ रख दो, इमेज बियॉन्ड सी बनी थी, मैग्निफाइड और इन्वर्टेड, यानी मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव एंड मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन। क्या इन्वर्टेड में ये सेम साइज भी दे सकता है? इन्वर्टेड में सेम साइज दे सकता है, पूछो जरा, पूछो, इन्वर्टेड में सेम साइज दे सकता है, जब सी पे रखा था हमने ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव, इन्वर्टेड की वजह से नेगेटिव है मैग्निफिकेशन और सेम साइज की वजह से वन। अब बात करते हैं कि अपराइट या इरेक्ट में ये कैसी इमेज देता है? अपराइट या इरेक्ट में ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज देता है, यानी एक ही केस में इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन वन होगा। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो चर्चा करने का टॉपिक ही नहीं है ये तो, है ना, ये तो मतलब सबको पता है सच है एकदम। क्या कैसी इमेज देता है ये? हमेशा अपराइट, या इसको आप इरेक्ट बोल लो, और साथ में कैसी? डिमिनिश्ड, खत्म, यही केस ही है इसके पास। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन, यही एक केस कॉनकेव के पास नहीं है, बाकी सब उसके पास है। इन्वर्टेड में जो चाहिए साहब आपको कौन देगा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स कभी इन्वर्टेड में। मैग्निफिकेशन की वैल्यू न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल देखो, ये सब न्यूमेरिकल के बताया था मैंने, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव देखो समझ जाओ कौन सा मिरर है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव देखो समझ जाओ कॉनकेव मिरर की बात है। पर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो दोनों मिरर हो सकते हैं,
फिर चेक करो कि मैग्निफिकेशन वन से बड़ा है कि वन से छोटा है। वन से छोटा है तो सिर्फ यही बन सकता है, वन से बड़ा है तो ये बन सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हिंट आपको मिले हैं क्वेश्चन के, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि चीजें और समझ में आएगी। बढ़िया, इसको रिवाइज करो एकदम जम के। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।